हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव, करंट स्टडी विद ओम एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर के राजकीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, उस क्वेश्चन के आंसर पर पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर है आपका हैदराबाद स्ट्राइकर। ठीक है, हैदराबाद स्ट्राइकर ने मुंबई लियोन आर्मी को हराया और इस प्रीमियर लीग की विजेता बनी है। ठीक है, तो इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम से हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया है। ठीक है, राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो देखिएगा इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, राजनांदगांव, रायपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा। ठीक है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका रायपुर, और इसके संदर्भ पर हम देखते हैं, इसके विस्तार को देखते हैं। तो देखिएगा रायपुर में 6वें क्रम की राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई है। ठीक है, इसमें राज्य के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतिस्पर्धा में बिलासपुर की पावर लिफ्टिंग टीम जो है विजेता बनी है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि रायपुर में राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और साथ ही साथ याद रखिएगा इस प्रतिस्पर्धा में बिलासपुर जो है विजेता रहा, बिलासपुर की पावर लिफ्टिंग टीम जो है यह विजेता रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा राज्य में गंधेश्वर नाथ मंदिर किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, गंधेश्वर नाथ मंदिर, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लगातार पीएससी में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं जो कि मंदिर, पहाड़ों से या फिर पर्यटन स्थलों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर बार या हर दिन कोई ऐसे विशेष प्रकार के मंदिरों की या धार्मिक स्थलों की बातें मैं आपसे कर सकूं। ठीक है, तो देखिएगा राज्य में गंधेश्वर नाथ मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है, तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, राजिम, सिरपुर, खरौद और खल्लारी। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका सिरपुर। तो सिरपुर में याद रखिएगा गंधेश्वर मंदिर जो है ये स्थित है। आपको गंधेश्वर मंदिर के बारे में दो बातें बता दूं जो यहाँ की किंवदंती है, लोक कथाएं हैं, जिसमें हम इस नाम का उच्चारण जो करते हैं। ठीक है, गंधेश्वर नाम जो है ये एक तरीके से गंध से लगा हुआ है, यानी कि खुशबू क्षेत्र, यानी कि चूंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में हम खुशबू को गंध कहते हैं, गंधेश्वर कहते हैं। ठीक है, तो इस पे समझिएगा कि जो शिवलिंग है, ठीक है, इसके तीनों पहर में, मतलब शिवलिंग जो है ये तीनों पहर में अलग अलग तरीके की खुशबू से व्याप्त होता है, जैसे सुबह, दोपहर और संध्या। ठीक है, यानी शाम का समय। तो देखिएगा ये तीन जो पहर है हमारे सामने, इस पहरों में, ठीक है, सुबह जो है चंदन की खुशबू, ठीक है, दोपहर में केसर की खुशबू और शाम को ये गुलाब की खुशबू। ठीक है, इस तरीके से माना जाता है कि इस शिवलिंग में तीन अलग अलग समय में तीन अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है। ठीक है, और यही कारण है कि इस मंदिर का नाम, इस धार्मिक स्थल का नाम गंधेश्वर शिवलिंग रखा गया, शिव मंदिर रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा राज्य में देश के पहले विकासखंड स्तर पर पब्लिक हेल्थ इकाई एवं हमर लैब के इंटीग्रेटेड मॉडल की स्थापना किस जिले में की गई है। ठीक है, फिर से देखिएगा कि राज्य में विकासखंड स्तर पर पब्लिक हेल्थ इकाई एवं हमर लैब के इंटीग्रेटेड मॉडल की स्थापना किस जिले में की गई है। ठीक है, तो देखिएगा चार ऑप्शन है हमारे पास, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर है दुर्ग। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, इसका विस्तार देखते हैं। अच्छा, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि राज्य में जो इंटीग्रेटेड रूप से हेल्थ इकाई और हमर लैब को इंटीग्रेटेड रूप से स्थापित किया गया है, यह मुख्यतः दुर्ग के पाटन में है। ठीक है, दुर्ग के पाटन में इसकी स्थापना की गई है, और इसी संदर्भ पर, ठीक है, इसी संदर्भ पर हमर लैब जो है इस एक शासकीय लैब के तौर पर इसे देश में दूसरा स्थान भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा एक्सटेंड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। तो इसमें राइट आंसर है आपका दूसरा स्थान। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में प्रदेश को दूसरे स्थान की उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है। ठीक है, साथ ही साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल से नवंबर माह तक राज्य के 1,48,500
सॉरी 881 महिलाओं की जांच की गई है और राज्य के प्रत्येक माह में 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं के एएनसी की जांच की जा रही है। ठीक है, तो ये उपलब्धि है हमारे राज्य की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। राज्य में मानव पशु प्रेम की मिसाल पेश करने वाला प्रदेश का कौन सा धार्मिक स्थल है? ठीक है, इसमें बात करते हैं स्थल के बारे में। बागबहरा, राजिम, सिरपुर और सारंगढ़। देखिएगा, बागबहरा में स्थित एक मुख्य मंदिर जिसे कहा जाता है माता चंडी मंदिर। ठीक है, तो जो चंडी माता मंदिर है यहां पर आप जाएंगे तो आपको भालुओं के और जो मनुष्यता या मानवता के जो प्रेम संबंध दिखेगा आपको यहां पर। ठीक है, यानी कि बिना हानिकारक रूप से, यानी कि यहाँ के जो पशु हैं वो किसी प्रकार के मानव को हानि नहीं पहुंचाते और ये शाम को इस मंदिर के प्रांगण में विचरण करते हैं। ठीक है, हालांकि प्रशासन ने इसके संदर्भ पर कुछ सावधानी बरतने का काम किया है जिसमें मानव जो है पशु को और पशु जो है मानव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 53वें अखिल भारतीय रेलवे क्रॉस कंट्री पुरुष व महिला प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, 53वें, याद रखिएगा 53 क्रम पर है। तो देखिएगा इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, बिलासपुर, अमरकंटक, रायपुर और जबलपुर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है आपका वो अमरकंटक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके विस्तार में देखिएगा, यह प्रतियोगिता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे संघ सेक्रेसा बिलासपुर की मेजबानी में बुधवार को आयोजित की गई है। इसमें बिलासपुर की महिला खिलाड़ी ने प्रथम और पुरुष वर्ग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ब्लूमबर्ग, देखिए यहां से हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तथ्य पर चलेंगे। ठीक है, यानी यहां से हम लोग करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिएगा, चार ऑप्शन है हमारे पास, गौतम अदानी, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नोल्ड, जेफ बेजोस। ठीक है, इसमें देखिएगा राइट आंसर है आपके बर्नार्ड अर्नोल्ड। इनके बारे में बात करते हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड जो है फ्रेंच फैशन ब्रांड लुई विंटा के मालिक हैं, जिसकी संपत्ति जो है 14.26 लाख करोड़ हो चुकी है, अनुमानित हो चुकी है इसका। ठीक है, इन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पछाड़ दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस बिलेनेल का कौन सा संस्करण केरल में हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोची मुजिरिस बीएनएल का कौन सा संस्करण केरल में हुआ है? तो यह पांचवा संस्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यह संस्करण 12 दिसंबर 2022 को कोची में शुरू हुआ। इसमें दुनिया भर के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, यह पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा अल्पसंख्यक सूचकांक वैश्विक रिपोर्ट में भारत का स्थान 110 देशों में कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, ये भारत का पहला स्थान है। और याद रखिएगा, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस का जो पब्लिशिंग किया गया है, ठीक है, इंडेक्स का रिपोर्ट जो लाया गया है वो पटना, बिहार पटना से, ठीक है, लाया गया है, बिहार पटना से स्थापित हुआ है। और सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस में यह बताया गया है कि किस देश में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है, तो इसमें पहला जो स्थान मिला है वो भारत को मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे। तो इस सूचकांक में भारत जो है वो शीर्ष पर है और इसके साथ ही भारत के बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का नंबर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 27वां स्थान रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, देश में जीका वायरस का पहला केस किस राज्य में मिला है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर है आपके कर्नाटक के रायचूर जिले में। ठीक है, आपको जानकारी होगी लगातार इस बारे में, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ पब्लिशिंग किया जा चुका है। ठीक है, मतलब रिपोर्ट पेश किया जा चुका है। इसके साथ ही यहां पर समझिएगा कि कर्नाटक के जो रायचूर जिले हैं, रायचूर जिला जो है यहां पर 5 वर्ष की बच्ची में यह जीका वायरस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस संदर्भ पर कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में, या कर्नाटक सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने कुछ
विशेष प्रकार की रिपोर्ट पेश की है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी जानकारी के साथ बता दूं कि यह मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है, यानी मच्छरों में पाया जाता है। इसे मुख्यतः एंडीज मच्छर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रजातियों से जाना जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियां जो है ये फैलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आज के क्वेश्चंस में आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के अलावा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर बहाल करने के लिए जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।